जय शिव हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग का प्रारंभ है सुल्तानगंज से नए वाले गंगा घाट से कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं जन्माष्टमी में सुल्तानगंज जाऊंगा और वहाँ से जल लेके आएंगे, तो बस उसी लिए अभी आ चुके हैं सुल्तानगंज। और कल है जन्माष्टमी, तो कल सुबह यहाँ से जल लेके निकलेंगे। तो मेरे साथ मम्मी भी है, तो मम्मी अभी आगे की तरफ है, तो हम लोग जो ना सुबह यहाँ से जल लेके निकलेंगे और हम लोग बाइक से जाएंगे। पिछले बार तो पैदल गए थे, लेकिन इस बार बाइक से जाएंगे। और हम लोग के गाँव से बहुत सारे लोग आए हैं, उनसे भी जो है मुलाकात होगा, सबको इधर ही है। तो चलिए ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं पहले यहाँ का शानदार नज़ारा। पिछली बार जब हम लोग सावन में गए थे सुल्तानगंज, तो हम लोग को पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जिस कारण से हम जो है आपको ये गंगा घाट नहीं दिखा सके थे अच्छे से। और इस बार हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए, तो इसलिए शाम को घूमने के लिए निकले हुए। और मम्मी को भी पूरा जो है सुल्तानगंज घुमाना है, तो सबसे पहले हम पहुँचे जो है नया वाले सुल्तानगंज का जो गंगा घाट बना है वहाँ पर। वो देखिए क्या सुंदर जो है नज़ारा लग रहा है। पीछे जो है बादल का कलर भी उस प्रकार का आ रहा है, जिसके कारण जो है ये जगह देखने में और भी सुंदर लग रहा है, जो कि अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, जो कि मैं आपको अभी घुमा घुमा के पूरा जो है ये दिखा रहा हूँ। आज का मौसम भी कुछ इस प्रकार का था, जिस कारण से ये सुंदर नज़ारा देखने में और भी जो है सुंदर लग रहा है। और क्वालिटी भी बहुत सुंदर आ रहा है, मौसम क्लियर रहने से आपका जो है पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो ये देखिए मैं आपको नया वाला जो है घाट पूरी तरह से घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ। मम्मी पहली बार आई हुई है सुल्तानगंज, तो मैं जो है पूरे जो है सुल्तानगंज घाट को घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ। शाम के समय हम लोग गए थे अजगबीनाथ मंदिर जब घर से आए, इसके ब्लॉग पहले के ब्लॉग में आपने देखा होगा। और अभी शाम का समय है, तो पूरा जो है सुल्तानगंज घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। मम्मी बोल रही है बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जैसा जन्माष्टमी के पहले होता है उस हिसाब से अगर आप बोलिएगा तो 25% जो है कांवरिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए जो भी होगा आगे आपको दिखाएंगे, फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। नया वाला गंगा घाट बहुत ही सुंदर बनाया गया है और रात के समय बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, जब यहाँ पर लाइट जलता है, जो कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे बहुत ही सुंदर लगा यहाँ का नज़ारा और वातावरण भी बहुत ही अच्छा था। हम लोग करीब यहाँ पर आधा घंटे तक जो है बैठे, उसके बाद जो है यहाँ से निकले। लेकिन अभी जो है मैं आपको पूरा घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, आप भी कॉमेंट करके बताइएगा आपको ये नज़ारा कैसा लगा देखने में। नए वाले सुल्तानगंज के गंगा घाट का नज़ारा मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया और अभी जो है फाँका फाँका ही नज़र आ रहा था, लेकिन कैमरे में बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। एक आध फोटो भी मैंने क्लिक किया, जो कि इंस्टाग्राम में मैं डालूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप मेरे इंस्टाग्राम को भी जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जो है आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। चलिए अब धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। और अब मेरे गाँव से जो भी कुछ लोग आए हुए हैं, लगभग 25-30 लोग आए हुए हैं, वो एक जगह ठहरे हैं, उनके पास चलेंगे और उनको भी दिखाएंगे कितने लोग आए हुए हैं। और कुछ जो है इधर उधर है, सबसे तो मुलाकात नहीं हो पाएगा, तो जिनसे मुलाकात होगा चलिए वो हम दिखाते हैं। और फिर कोशिश करेंगे आज अजगबीनाथ मंदिर जाने का, और समय रहा तो वहाँ भी जाएंगे, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, और अभी तक अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मम्मी भी धीरे धीरे आ रही है पीछे पीछे, तो चलिए मम्मी को लेके चलते हैं। हम लोग जैसे ही यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे थे, तभी जो है कुछ मूर्ति यहाँ पर विसर्जन के लिए आया, तो मैंने सोचा चलिए एक झलक आपको भी दिखा देते हैं। ये देखिए सभी मूर्तियाँ जो है विसर्जन के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है। और ये नए वाले गंगा घाट के पास भी आपको जो है सारा सामान मिल जाएगा, कांवरिया का जो भी जरूरत का सामान होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो गंगा घाट बना है, ये नमामि गंगा परियोजना के तहत बना है। मैंने सोचा चलिए ये भी जानकारी आप लोग को देते हुए चले। अब थोड़ा चलिए अब मार्केट का नज़ारा दिखाते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब प्लान चेंज हो चुका है थोड़ा सा, पहले जाएंगे अजगबीनाथ मंदिर, फिर चलेंगे जहाँ पर हमारे गांव के सभी जो है कांवरिये बम सब रुके हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मम्मी का कहना है पहले जाएंगे मंदिर, तो चलिए पहले आपको लेके चलते हैं गंगा घाट और उधर से चलेंगे अजगबीनाथ मंदिर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है बहुत कांवरिये अभी जो है गंगा जल लेकर निकल रहे हैं रात को ही। और ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ अजगबीनाथ मंदिर के पास, जो गंगा घाट है वहाँ पर। और ये देखिए ये बम जी तो बहुत बड़े जो है कलश लेके जा रहे हैं अजगबीनाथ मंदिर के पास, जो गंगा घाट है वहाँ पर भी आपको सारा सामान मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। ये देखिए बहुत सारे कांवरिये जो अभी जल संकल्प करके यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ निकल रहे हैं। अब घूमते घूमते हम लोग दोनों आ चुके हैं गंगा किनारे, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर अजगबीनाथ मंदिर है। तो चलिए बाहर से ही आपको अजगबीनाथ मंदिर का भी दर्शन कराते हैं। इधर तो और भी फाँका नजर आ रहा है, थोड़ा सा जो है मार्केट में भीड़ था, जहाँ से यहाँ से सब कोई ऊपर के तरफ जाते हैं जल लेके उस जगह पर। तो चलिए पहले आपको अब जो है अजगबीनाथ मंदिर का दर्शन कराते हैं।
जैसे ही अजगबीनाथ मंदिर की तरफ बढ़े वैसे ही जो है बारिश प्रारंभ हो गई है। कैमरे में भी जो है बूंदें गिर चुकी है, जिस कारण से आपको जो है पिछला वीडियो धुंधला नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए अभी आप आ चुके हैं अजगबीनाथ मंदिर के पास, और सब कोई देखिए किस प्रकार से जल्दी जल्दी जो है ये पुल के शेड पर जा रहे हैं और बारिश से बच रहे हैं सब कोई। देखिए मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे जो है बारिश प्रारंभ हो रही है और सब कोई यहाँ से ऊपर के तरफ आ चुके हैं और पुल के शेड के नीचे सब कोई खड़े हैं। और यहाँ से मैं आपको देखिए अब दिखा रहा हूँ फिर से अजगबीनाथ मंदिर, जय हो बाबा अजगबीनाथ की। अब बारिश ने रफ्तार पकड़ लिया और सभी कांवरिये पुल के शेड के नीचे आ चुके हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सभी कांवरिये यहाँ पर बारिश से बच रहे हैं। जैसे ही अजगबीनाथ मंदिर के तरफ बढ़े तब तक जो है जोरदार बारिश शुरू हो गई और अभी सब कोई इस पुल के ऊपर खड़े हैं। और पुल में जो छावनी का काम इसी वक्त हुआ और इसका चलिए लाभ थोड़ा सा भी हमको जरूर मिला, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा भीग जाते, हल्का फुल्का भींगे उसके बाद दौड़ते हुए पुल पर आ चुके हैं। और देखिए आपको जो है मेरे पीछे बहुत सारे कांवरिये भी नज़र आ रहे होंगे क्योंकि अभी पुल पर है। और ये लाइटिंग बहुत ही सुंदर किया गया है यहाँ का, चलिए एक झलक ये भी आपको दिखाते हैं। और मैंने जैसे बोला था पहले जाएंगे उन लोगों के पास, लेकिन नहीं, मम्मी बोली चलो मंदिर की तरफ घूम लेते, इसलिए यहाँ आ गए। और चलिए जहाँ पर सबको ठहरे हुए हमारे गाँव को वहाँ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक झलक आपको पुल का हम दिखाते हैं कि कितना सुंदर जो है लाइटिंग यहाँ पर किया गया है। जो भी यहाँ पर गए होंगे शाम के समय वो अगर गौर से देखे होंगे तो उनको पता चल गया होगा, यहाँ पर अधिकतर जगह पर जो है तीन कलर का लाइट किया गया है, तिरंगे का जैसा यहाँ पर लाइटिंग किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी कांवरिये किस प्रकार से अभी बैठे हुए हैं, कुछ कांवरिये तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक बिछा के सोए भी हैं जो कि सुबह को यहाँ से गंगा जल लेकर आगे चलेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार का जो है यहाँ पर लाइटिंग किया गया है और ऊपर में छावनी कर दिया जो कि बहुत ही सुंदर रहा, धूप और बारिश से सभी कांवरिये यहाँ पर बच सकेंगे। और बहुत सारे कांवरिये देखिए आपको जो है दिख रहा होगा पुल पे ही सोए हुए हैं, यहीं से जो है सुबह उठ के गंगा जल लेके बढ़ेंगे बाबा नगरी की तरफ। और पुल के उस तरफ मतलब जिधर से आप पुल पे चढ़ के जाइएगा अजगबीनाथ मंदिर उस तरफ जो है बहुत ज्यादा भीड़ है, चलिए एक झलक वो भी दिखाते हैं। और उसके बाद चलेंगे यादव मंदिर जहाँ पर हम लोग के गाँव के सभी जो है कांवरिये बंधु सब ठहरे हुए हैं, एक मुलाकात उन लोगों से भी कर लेते हैं। अभी आ चुके हैं यादव मंदिर जो कि लॉज का नाम दिया गया वहाँ पर, और मेरे पीछे देखिए सब कोई मेरे गांव के तरफ से ही आए हुए हैं, सब कोई जो है यहाँ पर ऐसे सोए हुए अभी रेस्ट कर रहे हैं। चलिए एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ कितने लोग आए हुए और सभी मेरे गांव से ही हैं और सब कोई अपना जो है कांवर अभी ठीक कर रहे हैं ताकि सुबह को जल्दी ये लोग निकल सके गंगा घाट में, इन लोगों को देरी ना हो। और सब कोई सुबह जो है लगभग 3 बजे ही यहां से निकलेंगे, इसलिए जो है अभी जो है कांवर अपना सब कोई ठीक कर रहे हैं, और जिनका भी कुछ दिक्कत हो ले जाके यहाँ पर कांवर का दुकान है वहाँ पर वो ठीक कराएँगे, और सब डब्बा वगैरह खरीद खरीद के आ रहे हैं। यहीं नीचे में इस प्रकार का दुकान है जहाँ से सभी कांवर का सामान ले लेके आ रहे हैं। और चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ ऊपर में किस प्रकार से सब कोई सोए हुए हैं और बाकी जो है अपना कांवर का सारा धागा वगैरह ठीक कर रहे हैं, डब्बा बांध रहे हैं ताकि सुबह जो है इन लोगों को दिक्कत ना हो। दो यहाँ से जो है होटल से सब कोई 2 बजे ही निकल जाएंगे और 3 बजे गंगा घाट से जल लेकर जल संकल्प करके बाबा नगरी की तरफ चल देंगे। और ये देखिए कितने लोग आए हुए हैं, सब कोई जो है हम लोग के गाँव के ही हैं और सब कोई अपने जो है काम में लगे हुए हैं, सब कोई व्यस्त है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सब कोई अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं लगभग जो है सब हम ही लोग के गांव के उधर के ही सभी कांवरिये बम जी सब यहाँ पर ठहरे हुए हैं। और ये लोग जो है सुबह 2:30 से 3 बजे ही यहाँ से निकल जाएंगे जल लेके, तो सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर ही करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप नहीं रहेंगे।